रोड का नाम क्या है? ये बीच रोड है, ये बीच रोड है कन्याकुमारी। तो पार्क कम शॉपिंग कम लग ज्यादा लग रहा है। सेटअप पूरा रेडी है, अभी खाना बनाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी। कल रात को रामेश्वरम से निकला, करीब करीब 100 किलोमीटर आया था। आके एक जगह में अपना गाड़ी पार्क कर दिया था, फिर रात को खाना वाना बनाया, फिर सो गया। सुबह आज 4 बजे उठा, उठ के पूरा रेडी होके अभी जस्ट आई एम रेडी फॉर द शो। ओके, तो चलिए चलते हैं और यहाँ से कन्याकुमारी में जो जो अच्छा अच्छा व्यू आएगा मैं तो शूट कर लूँगा, उसको देखेंगे आप लोग। ठीक है, रामेश्वरम से अभी कन्याकुमारी जो रोड है एक्सीलेंट है, और मतलब बहुत नीट एंड क्लीन, और इतना अच्छा लगा मुझे। कई सारे वीडियोस मैंने, ये शॉट मैंने लिया है, तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। अभी बहुत भूख लग गया है क्योंकि सुबह में थोड़ा बिस्किट खा के तो निकले थे, 2-4 बिस्किट बस, और कुछ नहीं। और रास्ते में एक बार ब्लैक कॉफ़ी पिया, तो अभी खाना खाने के लिए अभी रुका है। तो ये बड़ा दिस वन, और ये एक स्वीट है, इसका नाम क्या आप बोलते हैं? इसका नाम उन्नी आप है, ये एक स्वीट डिश है साउथ इंडिया का। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ और आप लोग रोड का व्यू देखिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गया हूँ, ये देखिए कन्याकुमारी। मुझे पता नहीं, एक्चुअली ये पूछना पड़ेगा किसी से कि ये रोड का नाम क्या है। सर, ये रोड का नाम क्या है? ये बीच रोड है। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो ये बीच, सॉरी, हाँ 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 पता है सर। तो ये रोड जो है, ये बीच रोड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग आए अभी, तो ये बीच रोड पे आपको आना है। ठीक है, अभी मैं लेमुरियन पार्क बोल के एक जगह है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पार्क है। आई डोंट नो इसके अंदर क्या है, पर मुझे जाके देखना पड़ेगा।
व्हाट इज द एंट्री फी? एंट्री फी, ओ मतलब कोई एंट्री फी फी नहीं लगेगा, ये टोटली फ्री है। तो चलिए देखते हैं जाके अंदर क्या है इसमें। साइंटिफिक एक्सपीडी सिनेमा, ये तो अपना एरिया में ही मिलता है, वो कोई बात नहीं है देखने का। पार्क बोले तो ये बस इतना ही सा क्या। कैसा पार्क है, क्या है ये, तो पार्क कम शॉपिंग कम्प्लेक्स ज्यादा लग रहा है। वहाँ पे इसके लिए इसको पार्क लिखा है, ये आपका स्लीप ये सब है बच्चों का, बस बाकी तो शॉप से भरा हुआ है। ये थोड़ा बहुत कुछ राइड है, दो चार राइड्स। मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी बैलून शूटिंग, ये भी एक गेम्स है, इधर भी गेम्स है, और बच्चों का राइड के लिए ये गाड़ी रखा है, बैटरी का जो हम लोगों का जो आइनॉक्स में फोरम में इस सब में मिलता है ना, उसी टाइप का है। ये कुछ खाने का जगह था, क्योंकि अभी तो कोई नहीं है, बंद है शायद। यहाँ से व्यू देखिए अच्छा लग रहा है, ये होगा पार्क। गणेश जी का दर्शन कीजिए। दूर में देखिए वो जो टेंपल है उस वो दिख रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा सा स्टैचू भी है।
सो दोस्तों अभी खाना बनाने का टाइम है, तो मैं गाड़ी एक जगह पे लगा दिया हूँ। ये देखिए कैसा जगह, कन्याकुमारी का सनसेट पॉइंट जहाँ पे है वहाँ मैंने गाड़ी पार्क किया है। सेटअप पूरा रेडी है, अभी खाना बनाएंगे। आज एकदम सिंपल सा खाना बना रहा हूँ, वो है राइस, ब्राउन राइस, उसके साथ थोड़ा मक्खन और पोटैटो फ्राई। ठीक है, चलिए फिर खाना बनाता हूँ मैं, आप देखते रहिए। खाना पकाना कंप्लीट, चलिए मैं खाना शुरू करता हूँ। दोस्तों खाना पीना तो हो गया, ये कैंपिंग वीडियो देखते देखते मुझे ऐसा कैंप करने का इंटरेस्ट आ गया। ऐसे साउथ इंडिया तो मैंने टूर नहीं किया था और ये साइड मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जहाँ पे नहीं गए उसी जगह में ही चलते हैं, पहला वाला देखते हैं क्या होता है। और वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट में बताइएगा, आगे जाके मैं और भी ट्राई करूंगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो क्रिएट करूं। अभी यहाँ पे जब मैं खाना बना रहा था, यहाँ लोकल एक पुलिस का ग्रुप आया, आके देख के रुक गया। अरे आप कहाँ से हो, आप वेस्ट बंगाल से हो? नहीं मैं तो बेंगलोर से हूँ। बोला अच्छा अच्छा गाड़ी का नंबर? हाँ गाड़ी तो वेस्ट बंगाल का ही है, अभी तक चेंज नहीं किया मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अकेले ट्रेवल कर रहे हो ऐसे क्या? बहुत बातचीत किया, फिर जाने के टाइम में ठीक है आप सेफली जाना वो ये सब मतलब बात करके ठीक है। ये भी एक अलग चीज़ है, देखिए समंदर के पार में यहाँ पे बैठ के मैंने खाना बनाया, फिर ये टेबल में बैठ के मैं सामने में समंदर है और मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ, तो ये थोड़ा अलग सा फील होता है। मतलब अभी मुझे थोड़ा वीडियो एडिट करना है, सनसेट तो काफ़ी देर है, इस बीच में जो टाइम मिल गया तो यहीं बैठ के जितना हो सके काम आगे बढ़ाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठा रहा, लेकिन सनसेट मेरा नसीब में नहीं था क्योंकि वेदर बहुत ख़राब हो गया था। तो मैंने वहाँ से त्रिवेंद्रम के लिए रवाना हो गया और त्रिवेंद्रम पहुँच के मैंने एक होटल का रूम ले लिया और वहीं पे मैंने रात गुजारा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग सब खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा, गुड नाइट।